भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसको मिश्रित इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सरकारी और निजी दोनों कंपनियां अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं। जिन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा होती है उन्हें सरकारी कंपनियां कहा जाता है और जिन कंपनियों में निजी क्षेत्र के लोगों की हिस्सेदारी ज्यादा होती है उन्हें निजी कंपनियां कहा जाता है। भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले औद्योगिक नीति 1948 में बनाई गई थी। इसके बाद 1956 और फिर 1991 में नई आर्थिक नीति बनाई गई थी जिसमें बहुत से क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया था, लेकिन सामरिक महत्व के क्षेत्रों को केवल सरकार के लिए आरक्षित कर दिया गया था। लेकिन 1991 के बाद फिर से अब भारत सरकार एक नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति बनाने जा रही है। नई उद्यम नीति के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों को रणनीतिक और गैर रणनीतिक लोगों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसमें रणनीतिक क्षेत्रों में कुल सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या कम से कम एक और अधिकतम चार होगी और शेष गैर सामरिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण या फिर विलय हो जाएगा या होल्डिंग कंपनियों के रूप में लाया जाएगा। यदि किसी विशेष रणनीतिक क्षेत्र में चार से अधिक सार्वजनिक उपक्रम हैं, तो उनका विलय या फिर निजीकरण किया जाएगा ताकि कुल संख्या चार बनी रहे और इससे अधिक ना हो। इस नीति का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रशासनिक लागत को कम करना है। आइए अब आपको बताते हैं कि निजीकरण किसे कहते हैं। साधारण शब्दों में समझा जाए तो निजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कंपनी का मालिकाना हक, संपत्ति और व्यवसाय सरकारी हाथों से निकलकर निजी हाथों में चला जाता है। ऐसे मामले में सरकार किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का 51% से अधिक बेच देती है। भारत में सामरिक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम किन्हें कहते हैं? इससे पहले सामरिक क्षेत्र को औद्योगिक नीति के आधार पर परिभाषित किया जाता था। सरकार ने औद्योगिक नीति के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को रणनीतिक और गैर रणनीतिक के रूप में वर्गीकृत किया है जो समय समय पर बदलते रहते हैं। जो क्षेत्र देश के लिए विशेष महत्व या फिर बहुत ही संवेदनशील प्रकार के होते हैं उन्हें सामरिक क्षेत्र यानी कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के उद्योग कहा जाता है। इसके अनुसार भारत में सामरिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सेक्टर हैं: रक्षा उपकरणों के लिए गोला बारूद और हथियार, रक्षा विमान और युद्धपोत, परमाणु ऊर्जा, कृषि, चिकित्सा और गैर रणनीतिक उद्योग में विकिरण के अनुप्रयोग, रेलवे। ध्यान रहे कि भारत में रणनीतिक क्षेत्रों के अलावा अन्य सभी सार्वजनिक उपक्रम गैर सामरिक क्षेत्र में आते हैं, जिनमें विद्युत वितरण कंपनियां, बीमा और बैंकिंग इत्यादि शामिल हैं। अब नई पॉलिसी में आपको जैसा मैंने बताया थे 5 सेक्टर्स, उसमें से अब 4 ही बचेंगे। इसका मतलब यही है कि इनमें एक और बेचा जाएगा या फिर केवल एक ही बचेगा। आइए अब बात करते हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या है। 31 मार्च 2019 तक भारत में लगभग 298 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी कि PSE थे, जिनमें कुल 16,40,628 करोड़ रुपए का निवेश और 2,75,697 करोड़ का भुगतान पूंजी और 15 लाख से अधिक कर्मचारी थे। कुछ परिभाषित क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या पर एक नजर। पावर 9 NTPC द्वारा अधिग्रहित 2 सहित, पेट्रोलियम 13 ONGC के तहत 3 सहित, रेलवे 11, कोयला 11, कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों सहित, टेलीकॉम 5, नागर विमानन 3 और माइंस की 3। उम्मीद है कि नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति जल्द ही अमल में लाई जाएगी और लेकिन उम्मीद ये भी है कि इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी नौकरियां खत्म ना हो, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो देश में बड़ी मात्रा में बेकारी फैलेगी जो कि इकोनॉमी के लिए शुभ नहीं होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जागरण जोश.com।